अगले कॉलम में चलें, बहुत जरूरी बातें हैं ये, कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा आपको। एस पर चलते हैं। एस वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। लिख सकते हो आप इन चीजों को। एस वाला जो कैंडिडेट होता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जिसके डिसीजन खुद लिए जा सकते हैं, खुद बंदा लेता है। जैसे कैमरामैन भाई साहब, एग्जाम्पल देखिए आप, ये क्या कर सकते हैं? ये मना कर सकते हैं, मैं नहीं आ सकता, ठीक है। ये खुद अपना ड्यूटी टाइम डिसाइड करते हैं कि मैं 9 से 2 काम करूंगा कि रात को भी काम कर सकता हूं, शादी ब्याह में अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो। खुद डिसाइड करते हैं। वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, समझ गए आप। और दूसरा, इसमें पेमेंट भी फिक्स नहीं है। पेमेंट मान लीजिए वैसे आज कुछ नहीं करा तो आराम से अपने घर है, लेकिन जिस दिन शादी की वीडियो रिकॉर्ड कर दी, पता चला एल्बम वाले दिन 40,000 रुपये ले लिए, समझे आप। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो डिसीजन खुद लेते हैं, खुद के लिए काम करना पसंद करते हैं। वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, लेकिन यहाँ एक चीज है यार, रिस्क ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? एम्प्लॉय की बजाय इस सेक्शन में रिस्क ज्यादा होता है। जैसे आरओ मैकेनिक भी क्या है? एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट है। आरओ मैकेनिक अगर मान लीजिए बैठा है शॉप ओपन करके, अपना जैसा भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता है ये कैंडिडेट, और फिर उसके बाद आरओ मैकेनिक है वो, उसके पास अगर कॉल आती है तो एक आरओ रिपेयर करता है वो एक दिन का, तो ये देखिएगा कि वो बंदा एक आरओ रिपेयर करने के 1 घंटे के अंदर रिपेयर हो जाता है, उसके 500 रुपये ले जाता है। कितने? 500 रुपये। एक कैंडिडेट जो जॉब करता है वो 15,000 रुपये मासिक जॉब करता है, और उसका दिन का कितना पड़ा? 500 रुपये। जबकि ये बंदा आया, आरओ को ठीक किया, 500 रुपये 1 घंटे में तैयार उसके, ठीक है। दूसरा, उसके ऊपर कोई बॉस नहीं है, वो खुद अपना बॉस है, ठीक है। तीसरा, अगर उसके पास 3, 4, 5 कंप्लेन आ गई, क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता भी है कि आरओ 3, 4 खराब हो गए, उसे रिपेयर करने कुछ भी है, तो उस केस में उस कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? उसको 4 रिपेयर करने पड़ेंगे, 5 रिपेयर करने पड़ेंगे, और पैसा और भी ज्यादा आ सकता है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं, जैसे खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, अभी पैसा और भी आ गया। तो अच्छा, एरो मैकेनिक का करियर डिसाइड कर लिया, अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत कुछ है। तो वो कैंडिडेट दिन के 2,000 रुपये कमा सकते हैं, महीने के 60,000 भी हो सकते हैं भाई, दिन के 2,000 के हिसाब से तो महीने के 60,000 भी हो सकते हैं। यानी रिस्क ज्यादा है। कैसे रिस्क ज्यादा है? देखिए, आरओ की कंप्लेन आज एक आ गई, 2 भी आई या 3 भी आई 4 भी आई, लेकिन एक दिन ऐसा भी हो सकता है एक भी ना आए, सिंपल सी बात। तो वहां पर रिस्क ज्यादा हुआ, लेकिन संख्या में ज्यादा आ सकती है तो पेमेंट भी तो ज्यादा है। अगर 4 आ गई तो पेमेंट ज्यादा है, अरे खाली जेब रह जाओगे, सुन लो पीछे। तो अगर आपके पास कंप्लेन ज्यादा आ गई, देखो मुंह छुपा छुपा कर बात कर रहे हैं कुछ लोग, हद हो गई। मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर डिसीजन कौन लेता है? पैसे ज्यादा कमा सकता है एम्प्लॉय से। वर्किंग आवर्स क्या फिक्स होते हैं? नहीं होते ना। इस तरह से अगर आप उसको देखें तो वो बेटर देन एम्प्लॉय होते हैं, पैसा भी ज्यादा होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है इसमें थोड़ा सा, लेकिन ऐसा होता है कि ये लोग फिर 8 घंटे काम नहीं करते, ये कई बार ऐसा भी होता है 12 घंटे भी काम करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, शादी होगी, कोई शादी में जाना है आपको, किसी भी शादी वगैरह में जाना है, तो ये हो जाता है कि जी अगले दिन की छुट्टी चाहिए। नौकरी करने वाला बंदा क्या करेगा? अगले दिन की छुट्टी ले लेगा। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते। अब मैं लाइव एग्जाम्पल दूँ अगर, तो सर पूरी रात कल शादी में थे, और मतलब सुबह आप समझ सकते हो कि घर परिवार में अगर शादी होती है तो मॉर्निंग तक वापस आए जाते हैं, और विदा आजकल जी तारों की छाँव में नहीं, सुबह सूर्य उगने के बाद भी की जाती है, ठीक है। और जब विदा इतनी लेट हो जाती है तो मतलब सुबह ही सर आए, ना धोकर वापस रेडी होकर मेरे साथ आ गए गाड़ी में बैठ के। इसका मतलब क्या हुआ? ताली बजा सकते हो बाबा। तो इसमें मैं 2 चीज निकालता हूं अभी देखना, 2 चीज निकलेंगी। एक चीज तो आपको सीधा समझ में आ गई, वो तो ये बात समझ में आ गई कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट होते हैं या बिजनेस ओनर्स होते हैं वो वर्किंग आवर्स उनके फिक्स नहीं होते, वो एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। एक तो ये चीज आई, लेकिन एक बहुत ही गजब की चीज निकल कर आई कि जिस कैंडिडेट को जिस काम में इंटरेस्ट है, मतलब जो काम करने में उसे मजा आता है, तो उसके लिए वो कभी भी थका हुआ फील नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मीनिंग ये हुआ कि आप कैरियर में उस चीज को डिसाइड करने की कोशिश करें, काम करने के लिए भविष्य में मुझे जो करना है बनना है उसके लिए काम करने की कोशिश करें जिसमें आपको मजा आए, कि हाँ मेरे को क्रिकेट खेलना में मजा आता है।
तो जो बंदा 10वीं क्लास में फेल था उसी का 10वीं क्लास में आज चैप्टर है, सचिन तेंदुलकर देख लिए आप लोगों ने, देखा है कि नहीं देखा कि क्रिकेट का जो सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर जिन्हें कहा जाता है, गॉड भगवान कहा जाता है, वो कैंडिडेट 10वीं में फेल था, लेकिन उसी कैंडिडेट की आज सरकार ने 10वीं क्लास के अंदर चैप्टर लगा रखा है सचिन के बारे में 10वीं क्लास में, लेकिन उसको उसमें इंटरेस्ट था और वो रात में भी प्रैक्टिस करते थे। हाँ पढ़ा था और इतना पढ़ा भारत रत्न है आज उसके पास। पढ़ना ये नहीं होता कि जो आप मतलब दो आखर आपने सीख लिए, 2 + 2 = 4 ये ज्यादा नहीं होते। एक और चीज होती है वो सर बताएं कल, कंपाउंडिंग इफेक्ट हो, 2 × 2 भी होता है कुछ, वो बहुत सारी चीजें होती हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट कुछ फिक्स आवर्स से ज्यादा भी काम करता है और कम भी कर सकता है। वो 6 महीने के लिए छुट्टी पर जा सकता है, सर्दियां हैं उसके पास, वो घूमने जा सकता है भाई, उसके पास आरओ का मैकेनिक था, उसे काम नहीं है तो उसे पता है कि आप घूम सकते हैं। उसने 6 महीने में अच्छा सा पैसा कमा लेना है, 8 महीने की गर्मियां होती है लगभग, 8 महीने में कमा लेना है, 4 महीने में आराम से अपना पता ही है, दिसंबर वगैरह में शादी का वैसे सीजन आ जाता है, शादी वादी अटेंड करेगा, आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर बिजनेस शुरू, ठीक है खुद का। इसमें लागत कम होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट होती है बट वो थोड़ी होती है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड आप लोगों का एक मिथ्या है थोड़ी सी, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं बिजनेस पे चला जाता हूं एक बार। बी फॉर अगला आता है बी फॉर बिजनेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप कुछ भी करें मैं चाहूंगा कि आप यहां तक जरूर जाएं, पहली बात तो। दूसरी बात, यहां तक तो फिर लास्ट में जाना ही होती है, अलग बात है, बट यहां से यहां तक तो आप जरूर पहुंचे। देखिए बी फॉर बिजनेस होते हैं, और बिजनेस वाले कैटेगरी में एक सबसे स्पेशल बात आती है कि यहां बंदा खुद काम नहीं करता, एक तो ये बात होगी। दूसरा, इसके पास वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, ये छुट्टी पर भी जा सकता है और कई सिचुएशंस में नहीं भी जा सकता, कई बार ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होगा कि ये कैंडिडेट लीड करता हुआ दिखाई पड़ेगा, और कई बार ऐसा होगा कि यही कैंडिडेट आराम से अपने घर पर या कहीं दूसरे देश में जाके छुट्टियां मना रहा होगा। नहीं, ठेकेदार नहीं कह सकते इसको अभी, हाँ समझ, मैं ये डिफरेंशिएट करूंगा अभी, मैं बताने वाला हूँ कि डिफरेंस क्या क्या होता है एक सेल्फ एम्प्लॉयड में और एक बिजनेस ओनर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चलो आप लोग इसको थोड़ा सा अलग टेंडर या ठेकेदार के नजरिए से देखते हो, तो मैं पहले इसी को अलग से समझा देता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में जो बंदा कामयाब हो जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में जो बंदा कामयाब हो जाता है वो क्या करता है, 2-4 अपने मतलब छोटी सी एक टीम बना लेता है और उस टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। आपके अपने शहर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, जीनियस अकेडमी करके एक अकेडमी है। जीनियस अकेडमी के अंदर अमित जी हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और अमित जी वहां पर पढ़ा रहे हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ। लेकिन आपने, मैंने एक लाइन जो बोली है उसमें देखा होगा कि वो खुद पढ़ाते हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट क्या हुए, सेल्फ एम्प्लॉयड हुए कि नहीं हुए। जब तक वो काम करेंगे उनकी एकेडमी अच्छे से चलेगी। अरे कोई नहीं, जो कैंडिडेट खुद काम करता है और जब तक काम करता है तब तक ही पैसा आता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है एक लाइन में, ठीक है। जब तक वो खुद काम करता है पैसा आता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो काम को छोड़ देता है, आपने देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिन जो कुछ इंस्टीट्यूट ही थे, अगर उन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, मतलब खुद ने छोड़ दिया, किसी और को बैठा दिया वहां पर हैंडल करने के लिए, तो वो चलता चलता ऑर्गेनाइजेशन डूब गया। क्यों? क्योंकि वो बंदा वहां पर अब नहीं है। तो जब वहां पर वो बंदा नहीं है और वो काम नहीं करता, तो उसकी वो जो भी संस्थान थी वो संस्थान अगर बंद हो जाती है, तो इसका मतलब जब तक वो काम कर रहा था वो बिजनेस ओनर नहीं था, वो वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड था, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। अगर बंदा टेक्निकली खुद काम कर रहा है, जैसे एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर एक टीचर खुद पढ़ाता है, एक स्कूल है वो टीचर पढ़ाता है वही मालिक है, तो टेक्निकली ही इज वर्किंग। टेक्निकली का मतलब, जैसे स्कूल का मेन उद्देश्य क्या है, पढ़ाना, और अगर वो मालिक भी पढ़ा रहा है इट मीन्स वो सेल्फ एम्प्लॉयड है।
समझ गए, एकेडमी है वो खुद पढ़ा रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वकील खुद केस लड़ता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर खुद पर्ची पर लिख के देता है कि ये दवाई लेनी है, वो बैठेगा तो हॉस्पिटल चल रही है, वो नहीं बैठेगा तो हॉस्पिटल नहीं चल रही है, क्योंकि जब उसका लंच टाइम होता है पेशेंट बाहर बैठे रहते हैं जब तक वो नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी छोटी सी टीम बना रखी है और उस टीम के साथ मिलकर वो क्या काम कर रहा होता है, वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड का बिजनेस जो भी काम है वो कर रहा होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो बंदा, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। एक डॉक्टर, एक वकील, एक टीचर जो खुद काम करते हैं, एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, ये सब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा, सेम पोस्ट जो भी ये काम कर रहे हैं ना, सेम पोस्ट किसी कंपनी में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बड़ी सी हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल या फिर दुर्लभ जी जयपुर की हॉस्पिटल, कोई भी बड़ी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी बंदा नौकरी कर रहा हो सकता है, कोई डॉक्टर, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर होता है, कोई सरकारी वकील भी होता है, तो कोई सरकारी टीचर भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि खुद का कुछ कर लेते हैं, जैसे सरकारी डॉक्टर बनने की बजाय, नौकरी करने की बजाय, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करने की बजाय खुद का अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल लेते हैं। जब तक वो खुद बैठे हैं, खुद काम करें, तो वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर और नॉट? मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग जितने भी कंफ्यूज है ना कि जिंदगी में मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए, वो पहले दुनिया में ये देख लो कि दुनिया में क्या अवेलेबल है, क्या कर सकते हैं। तो दो कैटेगरी तो क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से, कि एक तो एम्प्लॉय की 9 से 5 काम करने वाले, तनख्वाह फिक्स होने वाली, तनख्वाह कम मिलेगी, कम ही मिलती है कितनी भी ज्यादा हो, ठीक है, तनख्वाह कितनी भी ज्यादा हो वो कम ही मिलती है। दूसरा ये, और आप ये सोचे ना कि तनख्वाह कम कैसे कह रहे हो सर, सच्चाई ये कि तनख्वाह का मतलब आप समझते हो, तन को खाकर जो मिलती है उसे तनख्वाह कहते हैं, ठीक है, मतलब पूरा दिन आप जितना भी मतलब फिजिकली आप वर्क करते हो उसकी जो मतलब कि आपकी मतलब लेबर है, मजदूरी है, वो वाली जो चीज है ना वो आपको मिलती है, दैट्स तनख्वाह, ठीक है, वो तनख्वाह होती है। और आप ये बिल्कुल भी ना सोचें, ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हार्डवर्क जो है सफलता की कोई कुंजी है, क्योंकि हार्डवर्क तो हर रोज एक रिक्शा चालक भी करता है, पूरा दिन करता है, हो सकता है कि 12 घंटे से ज्यादा करता हो, लेकिन उसकी कमाई तो इतनी नहीं है, हार्डवर्क तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।